दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के NSS विंग द्वारा सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम के तहत में पोषण माह के अंतर्गत फल और पुस्तक वितरण का कार्यक्रम मंगलवार को मुंशी प्रेमचंद पार्क की स्थिति चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम कुष्ठ रोगियों और BSA कार्यालय स्थित आवासीय एक्सीलरेटर लर्निंग कैंप के मुख बधिर और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के बीच किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कुष्ठ आश्रम में आयोजित पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत फलाहार वितरण कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कुष्ठ रोगियों को अंग वस्त्र में माला पहनाकर उनको फल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुष्ठ आश्रम फिर आने वाले कुष्ठ रोगियों को फल और स्वामी विवेकानंद के जीवन के संबंध में एक पुस्तक का भी वितरण किया गया। इसी तरह एक कार्यक्रम का आयोजन BSA कार्यालय स्थित आवासीय एक्सीलरेटेड लर्निंग कैंप में मुख बधिर और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के बीच कुलपति ने बच्चों के बीच फल का वितरण किया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह, रूसा समन्वयक डॉक्टर रजवंत राव एवं प्रोफेसर शिखा सिंह सहित जिला सर्व शिक्षा अभियान समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकार के द्वारा हम समाज में विचारों को ले जाने का काम कर रहे हैं। हम समाज में अपने उस शैक्षणिक गतिविधियों में प्राप्त ज्ञान को समाज के लिए जोड़ रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुखिया अति सहज अपने कुलपति जी को पा करके मैं बहुत अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अरे आप यहाँ कही थोड़ा सा पड़ाव पर पहुंच गया जहां हम बोले कम काम करें और अंततः हमारा काम ही दिखता है और काम दिखना चाहिए। और केशव सिंह जी ने इसकी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि विश्वविद्यालय का रुख उन्होंने गाँव की तरफ कुछ आश्रम की तरफ मूक बधिर छात्रावासों की तरफ किया है और ये इस तरह से ये बधाई के पात्र हैं। तो शुभ होता है यह एक किस्मा कदम आपका हमारे विश्वविद्यालय को समाज से जोड़कर। सर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, विश्वविद्यालय मेरा आगे जाएगा। सर इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और आपको धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में उसका कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राजवंत राव साहब जी का, माननीय दीक्षित जी का यहाँ पर उपस्थित कुलपति महोदय एवं प्रोफेसर राव साहब का बहुत ही सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एक एक्सेलरेटेड लर्निंग है और ये 8 महीने का सर कैंप होता है
जैसल पे इवन की लाल या हमारे बालिका विद्यालय है वहाँ पे हमारी बच्ची ने सर काम किया है, तो हम अपने तरफ से अपने विद्यालय परिवार के तरफ से यहाँ के शिक्षण और हार्दिक नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों को आशीर्वचन के रूप में दो शब्द हाथ दोनों बेटा खुद थैंक यू बोलो पकड़ लो अनिल ना हो बाकी लोगों को वहीं बंटवा दो। आज समाज के समाज को शिक्षा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से NSS विंग द्वारा उठाया गया है, और जो विश्वविद्यालय का काम सिर्फ कक्षाओं तक सीमित था कि कक्षाओं में रह के पठन पाठन करें और समाज तक उस वो शिक्षा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है इस पे भी ध्यान देने के लिए आज की आवश्यकता है, और हमारे वर्तमान सरकार का भी ये उद्देश्य है कि शिक्षा जब तक समाज के हर वक्त न पहुंचे, उसका लाभ सबको न मिले, सिर्फ क्लासरूम तक रहे, यह ठीक नहीं है। तो इस पे हमारा विश्वविद्यालय ने NSS कोऑर्डिनेटर केशव सिंह के माध्यम से, रूसा कोऑर्डिनेटर और मैडम शिखा सिंह के एक्टिव सहयोग से हम यहाँ कुछ आश्रम में यहाँ अपने साथियों का उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, और उनको ये महसूस हो रहा है कि हम उनके लिए चिंतित हैं और आगे जो भी सहयोग विश्वविद्यालय स्तर से शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दे सकता है वो देता रहेगा। विशेषकर जो उनके बच्चे हैं उनको उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय हमेशा कार्यरत रहेगा, सहयोग करता रहेगा। जो है उनको फल दिया, अंगवस्त्र दिया, एक विवेकानंद जी की प्रेरक पुस्तक दी, उसमें जीवन कैसे बिताना चाहिए। विवेकानंद जी का मानना था कि हर व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, और जैसा वो करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए मस्तिष्क को सकारात्मक बना के रखने की प्रेरणा के हेतु एक पुस्तक का भी वितरण किया गया।